हेलो नमस्ते सलाम व्हाट्सअप गाइस। दोस्तों मैं अभी हूँ काठमांडू की मेन सेंटर पर। यहाँ बहुत अच्छी जो है व्यू है देखने के लायक है। आज यहाँ पर मैं वॉकिंग टूर करने वाला हूँ। चलिए बने रहिए मेरे साथ, आज का ब्लॉग स्टार्ट करता हूँ। This one, the army camp, अंदर फुटबॉल ग्राउंड पे है और ये मैराथन दौड़ जो है रनिंग का आप देख रहे होंगे। आर्मी का कैंप है, ये सामने है शहीद गेट। ये सामने जो है शहीद गेट है, इसको शहीद गेट बोलते हैं। कहा जाता है कि ये अंदर जो शहीद गेट के पीछे जो दरारा देख रहे हैं आप, उस दरारा को की सुरक्षा के लिए ये शहीद गेट का निर्माण किया गया था। पहले के राजा लोग ने बनाया था ये शहीद गेट, ताकि वो दरारा की सुरक्षा के लिए। वहाँ शहीद गेट वहाँ तक जाना है, मेरे को पार करना होगा, रास्ता क्रॉस करना होगा। एक मिनट हाँ, दिस वन इज द ट्रैफिक ऑफ काठमांडू सिटी। ये है शहीद गेट, ये इसका मेन पॉइंट। इसके चारों ओर सड़क है। अभी मैं सुंदरा की बाग दरबार एरिया में हूँ। यहाँ 360 होटल है, आपको स्टे करना हो तो यहाँ इस एरिया में आप स्टे कर सकते हो। बहुत सारे होटल हैं और चीप प्राइस में हुए होटल मिल जाएगा आपको। सामने जो दिख रहा है वो धरहरा है, धरहरा स्तंभ। ये सिविल मॉल है, मैंने ऑलरेडी मेरे पहले वाले वीडियो में इस मॉल के बाद इस मॉल का अंदर का आपको नज़ारा दिखाया हूँ। आज मैं इसके अंदर नहीं जाऊँगा, आज सिर्फ ओनली वॉकिंग टूर करूँगा। अच्छे अच्छे स्ट्रीट जो काठमांडू की जो सेंटर एरिया है वहाँ का स्ट्रीट व्यू दिखाने वाला हूँ आप आज को। अभी मैं हूँ खिचा पोखरी साइड में, ये भी सुंदरा का ही एरिया है। यहाँ आपको बहुत सारे अच्छे अच्छे शॉप्स देखने को मिलेगा गारमेंट्स के। और इसके बाद मैं सामने न्यू रोड की ओर जाऊँगा। सो लेट्स कीप कंटिन्यू माय वॉकिंग जर्नी। अभी मैं हूँ न्यू रोड एरिया में। यहाँ पर आपको अच्छे से कपड़े जूते इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम लाइक मोबाइल लैपटॉप अदर इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स और ज्वेलरीज और भी बहुत सारे जो है सामान का बहुत अच्छा अच्छा शॉप आपको देखने मिलेगा। तो अभी आज का ब्लॉग जो है सिर्फ वॉकिंग टूर है। आई हैव माय मोबाइल विथ गिम्बल। सो आज काठमांडू सिटी का जो सेंटर एरिया है वहाँ का स्ट्रीट व्यू आप लोग को दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आएगा। वॉकिंग काठमांडू सिटी। ओ सॉरी, ज्वेलरी 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 ये है न्यू रोड का मोस्ट पॉपुलर एरिया। यहाँ आपको हर तरह के मोबाइल
और अदर इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम जैसे लैपटॉप वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। अगर आपको मोबाइल लैपटॉप खरीदना हो तो यहाँ पर ज़रूर आए। टेम्पल ओनली मोबाइल हियर, ओनली मोबाइल। Both side mobile shop, both side mobile shop, you can find any kind of mobile. ये ओवर ब्रिज है मेन रोड के बगल में, ओवर ब्रिज लगा हुआ है और ब्रिज के नीचे ही शॉप्स है, दुकान सब्जी बोल रहा हूँ फ्रूट्स के, गारमेंट्स के भी शॉप है, बैग वगैरह भी रखा हुआ है, देख सकते हो बैग। काठमांडू में आपको कहीं भी सड़क में ऐसा दुकान देखने को मिल जाएगा। ये देखिए स्ट्रीट डांस, सड़क में डांस का प्रदर्शन कर रहा है ये भाई, अपने टैलेंट का प्रदर्शन कर रहा है। शायद कुछ डोनेशन के लिए पैसा कलेक्शन कर रहा है, सबकी अपनी मजबूरी होती है। और सबसे बड़ी बात है कि नेपाली लोग कभी किसी के आगे हाथ फैलाकर नहीं मांगते, अपनी मेहनत और मजदूरी करके खाते हैं, इसलिए तो वर्ल्ड वाइड नेपाली को बहादुर कहा जाता है। गोरखाली हैट्स ऑफ टू यू ब्रो, गॉड ब्लेस यू, स्टे हेल्दी, कीप ग्रोइंग। अभी मैं जा रहा हूँ मेन रोड के नीचे, अंडरग्राउंड है, अंडरग्राउंड में भी इधर शॉप है, दुकानें, तो देखता हूँ यहाँ पर कैसा कैसा दुकान है। जब है मेन रोड के अंडरग्राउंड में है ये शॉप्स वगैरह, जैसा कि आप देख रहे हो। वाह, इधर तो बहुत अच्छा अच्छा दुकान है यार, गारमेंट्स का, जीन्स शर्ट, बहुत अच्छा अच्छा कपड़ा है इधर। चलो ऊपर चलता हूँ, मेन रोड निकलूँगा यहाँ से, ऊपर जाने पर देखो सड़क में आ गया मैं ऊपर। तो ये जो शॉप्स वगैरह था अंडरग्राउंड में था, मेन रोड के अंडरग्राउंड में। अभी मैं आ पहुँचा हूँ काठमांडू का मोस्ट फेमस एरिया रत्न पार्क, यहाँ बहुत बड़ा पार्क है, बहुत भीड़ रहता है यहाँ ऑलवेज यहाँ पर, और यहाँ पर बहुत बड़ा बड़ा गवर्नमेंट सेक्टर का जो है कार्यालय भी है यहाँ पर। अभी यहाँ का पार्क दिखाऊँगा आपको, बहुत अच्छा पार्क है यहाँ पर, टिकट काटना पड़ता है, आपको टिकट काट के अंदर जाने जा सकते हो, बहुत भीड़ रहता है। रत्न पार्क जिसको रेड लाइट एरिया से भी कुछ लोग जानते हैं, आई थिंक नाइट में रेड लाइट एरिया बन जाता है, इसीलिए रेड लाइट एरिया भी कहते हैं। मेरे को ज़्यादा मालूम नहीं है इस बारे में, बट ऐसा सुना हूँ। और चलो ये है टिकट काउंटर, यहाँ से टिकट काट सकते हो आप, टिकट काट के अंदर जा सकते हो यहाँ से।
भाई काठमांडू का मौसम मेरे को बहुत सही लगता है। यहाँ विंटर में तो ठंडा रहता ही है, सबसे अच्छी बात है कि गर्मी में, समर में आपको गर्मी बहुत सही गर्मी लगेगा आपको, मतलब कंफर्टेबल एकदम, ज़्यादा गर्मी नहीं, बहुत सुकून वाला गर्मी, मतलब उतना गर्मी होना चाहिए। और समर में भी आपको सुबह शाम ठंडा ही रहेगा मौसम, तो रहने या घूमने के लिए तो भाई मेरे लिए तो बहुत बेस्ट जगह है ये। अभी मैं आ पहुंचा हूँ टूडी खेल ग्राउंड में। ये ग्राउंड बहुत ही बड़ा ग्राउंड है और यहाँ पर आर्मी का जो है ट्रेनिंग वगैरह होता है, और अदर डे में जिस दिन गवर्नमेंट का काम नहीं रहता है उस दिन यहाँ पर पब्लिक लोग आके खेल कूद करते हैं, खेलते हैं क्रिकेट वगैरह खेलते हैं बच्चे लोग आके। बहुत बड़ा ग्राउंड है जैसा आप देख सकते हो। नेपाल को प्रकृति ने इतना कुछ दिया है, बस उसका थोड़ा सही यूज नहीं हो पाया है कुछ पॉलिटिशियन के कारण। नहीं तो अगर नेपाल को अच्छा डेवलप किया जाए तो नेपाल स्विट्जरलैंड से टक्कर ले सकता है इन टर्म ऑफ ब्यूटी, क्योंकि इतना अच्छा एनवायरनमेंट है यहाँ, इतना सुकून है, हर कुछ दिया है प्रकृति ने। तो भाई बस ये था आज का ब्लॉग, आज का वीडियो कैसा लगा जरूर बताना। इन पर्पज़ ऑफ इंफॉर्मेशन मैंने ये ब्लॉग बनाया है, वॉकिंग टूर ठीक वॉक किया हूँ आज। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। टाटा बाय बाय, सी यू नेक्स्ट वीडियो।